नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव उनहानी में स्कूल बस दुर्घटना में दो सगे भाइयों सहित 6 स्टूडेंट्स की बेहद दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें इतनी हृदय विदारक थी कि देखना भी मुश्किल है। वीरवार 11 अप्रैल को महेंद्रगढ़ के गांव झाड़ली में 13 वर्षीय अंशु, 15 वर्षीय यश, दो सगे भाइयों के अलावा इसी गांव के 14 वर्षीय युवराज, 16 वर्षीय सत्यम की मौत हुई है। वहीं धनौंदा निवासी 14 वर्षीय वंश व 16 वर्षीय रिंकी की मौत से महेंद्रगढ़ ही नहीं पूरे हरियाणा के साथ देश भर में मातम छाया हुआ है। गांव झाड़ली में जब एक चिता में अंशु व यश का अंतिम संस्कार हो रहा था, पूरा देश रो पड़ा, क्योंकि हादसा इतना हृदय विदारक था कि देश का हर कोई परिजन जिसके बच्चे स्कूल में जाते हैं रोने को मजबूर था। आखिर एक लापरवाही से 6 परिवारों की जिंदगी छीन ली गई, उनमें मातम छाया हुआ है। जिसने भी इस हृदय विदारक घटना को देखा या फिर सुना रोने पर मजबूर हो गया और रोता हुआ देखा गया। हरियाणा में ऐसा हादसा पहली बार सामने आया था। पहले आपको दिखाते हैं घायल छात्र आदित्य ने क्या बताया। आदित्य जीएल पब्लिक ये एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे उसने मोड़ा ना बैलेंस बिगड़ गया। जब है ना वहाँ पे नहर थी उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस 50। जैसा कि आपने देखा करीना के जीएल पब्लिक स्कूल रेवाड़ी के मातृका अस्पताल में भर्ती छात्र आदित्य ने बताया कि ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, नहर के पास अचानक संतुलन बिगड़ा और बस पेड़ से जा टकराई। वहीं ड्राइवर बच्चों को बचाने के बजाय बस से कूदकर फरार हो गया। वहीं इस हृदय विदारक वारदात में और एक खुलासा सामने आया है। हादसे में घायल छात्र दिव्या के दादा ने बताया कि नशे में धुत बस ड्राइवर को खेड़ी गांव में रोका गया था। ग्रामीणों ने बस की चाबी भी निकाल ली थी लेकिन बाद में स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति राव के कहने पर उसको छोड़ दिया गया। ऐसे में यदि प्रिंसिपल ने नशेड़ी ड्राइवर को रोक दिया होता शायद बच्चे आज जिंदा होते। ऐसे में सवाल यह है कि 6 बच्चों की मौत के जिम्मेदार में किरदार अनेक हैं, जिम्मेदार अनेक हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। जितने जिम्मेदार स्कूल संचालक हैं उतना ही जिम्मेदार प्रशासन भी है। आखिर मॉनिटरिंग के नाम पर हो क्या रहा था, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, लोग यह भी पूछ रहे हैं। बता दें कि दुर्घटना के वक्त बस में 37 स्टूडेंट सवार थे, इनमें से 14 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, वहीं 6 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 12 स्टूडेंट रेवाड़ी के मातृका अस्पताल में उपचाराधीन है, वहीं 2 को गुरुग्राम के आरटीमिस अस्पताल में रेफर किया गया है, 3 एक निजी अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के मुताबिक 3 से 4 स्टूडेंट्स की हालत नाजुक बनी हुई है क्योंकि 48 घंटे बेहद अहम होते हैं, क्योंकि सर में चोट है। ऐसे में कहीं ना कहीं 48 घंटे बेहद क्रूशियल है। अब आपको दिखाते हैं पूरे मामले को लेकर महेंद्रगढ़ पुलिस व महेंद्रगढ़ डीसी ने क्या कहा। अपडेट है जो घटना आज हुई सुबह बस के इस हादसे में हमने सेक्शन 304 के तहत मुकदमा दर्ज हमने कर लिया है। इसके अलावा अन्य 120 भी सेक्शन 20 हमने लगाई है और इसकी जो हमने गाड़ी के पेपर चेक किए हैं वो जो फिटनेस वगैरह नहीं मिली है तो उसके मुताबिक हमने एमवी एक्ट की सेक्शन 20 में हमने लगा दी है। और इसमें हमने ड्राइवर को जो गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था धर्मेंद्र उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। और उसके अलावा स्कूल की प्रिंसिपल हैं दीप्ति और अन्य स्टाफ का जो मेन मेम्बर है होशियार सिंह जो सेक्रेटरी के अकाउंट है स्कूल में और वो गाड़ियों वगैरह का सारा इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की जिसको इन्होंने पूरा तरह से ठीक नहीं किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है गाड़ियों बसों के बारे में उसको भी इन्होंने अच्छी तरह फॉलो नहीं किया है। इन बेस पे हमने 3 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग हमने कर ली है और जो 6 की इसमें टोटल डेथ हुई थी इसमें हमने उन सबका पोस्टमार्टम करवा दिया है। पोस्टमार्टम कराने के उपरांत उनकी डेड बॉडी हमने उनके घर के हवाले परेशान के कर दी थी और इसमें हम अपने प्रॉपर अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कहीं भी एसपी साहब की तरफ से हमारे को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी पर कोई ढिलाई नहीं होगी, जिसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर हम सब तक सर। आज जो ये महेंद्रगढ़ जिले में हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद हादसा है और इसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट की काफ़ी लापरवाही है जो सामने आ रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, ड्राइवर के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर भी हो रही है, प्रिंसिपल भी कार्रवाई हो रही है। क्या छुट्टी के दिवस को ठीक है भाई साहब आज और जो चालक था उसकी लापरवाही थी, ड्राइविंग जो है उसके ऊपर भी कार्रवाई सबसे सबसे बड़ा जो समाज निशान कि जो चालक था बस का वो शराब पीने का आदमी था, इसकी सूचना बच्चों ने पहले भी मैनेजमेंट को दी थी और आज भी उसने ड्रिंक किया हुआ था इस हादसे के दौरान। मतलब क्या ऐसे बस चालकों के खिलाफ आप निर्देश दें।
देखिए ये ऐसा जो स्कूल वाहन पॉलिसी होती है, सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी, इसमें साफ स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो ड्राइवर्स हैं वो उनका पूरा चरित्र सत्यापन करने के बाद ही किसी स्कूल की बस के ऊपर ड्राइवर को रखा जाता है। तो इस बारे निर्देश है इसके और 27 से पालना जो है वो कराई जाएगी, सारे स्कूल्स को बता दिया गया ये बात भी। और जिस स्कूल की लापरवाही है, जिससे मैंने बताया कि कानूनी कार्रवाई तो हो ही रही है, FIR उसकी दर्ज हो गई है, साथ ही साथ उस स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए भी लिख दिया गया है, क्योंकि ये लापरवाही मैनेजमेंट की किस किस के खिलाफ। देखिए फिलहाल पुलिस इंक्वायरी कर रही है ड्राइवर के विरुद्ध और प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट के विरुद्ध जो है एक्शन लिया जा रहा है। इंक्वायरी में अगर कुछ और निकलेगा तो उस पर कितनी कैजुअल्टी हो चुकी है? अभी 6 कैजुअल्टी जो है वो हुई है, उसके बाद जो बाकी बच्चे हैं सभी बच्चे हैं ट्रीटमेंट चल रहा है जी स्कूल बस की। अभी आपने हालात जाना, क्या हालात हैं बच्चों? यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आई हूँ मैं, यहाँ पे 12 बच्चे हमारे एडमिट हैं, हालात काफ़ी स्टेबल हैं, थोड़ा सा एक बच्ची का जो है वो नाजुक है, लेकिन बाकी बच्चे खतरे से बाहर हैं। काफ़ी बच्चों से तो जो ICU में नहीं थे मैंने खुद बात भी की है, तो काफ़ी वो तो स्वस्थ हैं। छोटी मोटी जो चोट होती है बाहर की जो है, अंदरूनी कोई चोट उनको नहीं है, तो वो जल्दी डिस्चार्ज भी कर लगता है। सभी सुविधाएँ हैं या हॉस्पिटल में? हाँ, यही देखने के लिए आए थे, हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो जो बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो सुविधाएँ उपलब्ध है। एक बच्ची का जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा देखा जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन माता पिता शायद अगर चाहेंगे कहीं और, तो वो भी मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम उनको वो भी सुविधा उपलब्ध कराना देंगे, कि अगर वो चाहेंगे कि इससे बेहतर या कहीं भी गुड़गांव लेके जाना, तो हम वो खर्चे को लेकर बात हो देगी पेरेंट्स के लिए खर्चा किस प्रकार से रेंट कर? देखिए अभी के लिए तो यही है कि खर्चा जो है पेरेंट्स को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खर्चा जो है उनका हम अरेंज करा देंगे, जैसे भी कराएंगे वो हम करा देंगे।